नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कोसा नाला में चल रहे जेनेलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और बारिश के पूर्व काम समाप्त करने को कहा। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के दिनों में जल प्रवाह में निरंतरता बनी रहे और कोसा नाला की बस्तियों में बारिश का पानी नाले के ओवरफ्लो होने के कारण घरों में ना घुसे। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी है। अधोसंरचना मद की 17 करोड़ की लागत से चैनलाइजेशन का काम जो है वो कोसा नाला में किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज का जो काम था वो पूर्ण हो चुका है। जैसे जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन के आगे में जो पुल है वहाँ से लेकर के जो नर्सरी की ओर रास्ता जाता है वहाँ तक चैनलाइजेशन का काम हो गया है। उनके जो समीपस्थ बस्ती है जो सूर्य रेस्टी के आसपास की, और वहाँ जल भराव की स्थिति बारिश के दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है वो सेकेंड फेज में उस पुल से लेते हुए लेफ्ट साइड का जो काम है उसका सिंगल चैनलाइजेशन का काम सिंगल साइड का हो चुका है। दूसरा तीसरा फेज में अपन आ जाए तो प्रदर्शनी परिसर आश्रय स्थल के समीप में जहाँ से ब्रिज है उस ब्रिज से चैनलाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ है। इसका भी सिंगल साइड का मैक्सिमम काम पूर्ण हो चुका है। आयुक्त महोदय ने उनका निरीक्षण किया और कार्य का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी में युद्ध स्तर पर चैनलाइजेशन का काम करें और बारिश के दिनों में, ताकि कोसा नगर जो क्षेत्र है जो निचली बस्तियों में आता है वहाँ ऐसा जल भराव की समस्या न हो।